अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको फ्रीलांसिंग का जो असाइनमेंट नंबर 1 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगी। पहले मैंने आपको बताया है कि फ्रीलांसिंग के जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसको कैसे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन गिग और कैसे स्क्रीनशॉट लेना और कैसे आप लोगों ने उसका गिग जो है वो तलाश करना है। तो अब मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो बताने लगी हूँ। इससे पहले कि हम आज की वीडियो पे चलें, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आगाही हासिल हो सके। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो पे। आज जो वीडियो है उन्होंने मैंने ये सारी यहाँ पे ये देखें, ये मैंने अपनी एक्सरसाइज जो है इसकी मैंने बना के ये रख लिया। यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज का नाम लिखेंगे और उसके ये जो डेट वगैरह लिख के बैच 7, यहाँ पे है टास्क 1, मेंशन ऑफ दियर स्किल, योर इंटरेस्ट, राइट ए स्किल सेट। स्किल सेट में आप अपना, जैसे कि कोई SEO है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आप एक शॉर्ट सा उसका नाम लिख लें, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर, ये लिख सकते हैं, या उसके बाद स्किल सेट के बारे में एक दो बातें लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो या यहाँ पे मैंने मतलब कि इसके ऊपर लिख लिया कि आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो नंबर 2 पे लिखा हुआ है फाइंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांसर एट fiverr.com, पीपल पर आर एंड योर मैंशन स्किल सेट, मैंशन स्किल सेट 1 फ्रीलांसर फ्रॉम ईच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, उसके बारे में हमने बताना है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे हमने ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ गया होगा इसका फाइवर पे, तो यहाँ पे फाइवर पे चलते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे जाना है, तो सर्च पे आपने कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, कोई भी कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं लिखूँगी ग्राफिक की, तो ग्राफिक मैं लिख दूँगी ग्राफिक, हाँ जी। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, इसको मैं सर्च बटन पर क्लिक कर दूँगी और सर्च कर लूँगी, यहाँ पे इसको सर्च कर देंगे। यहाँ पे इसका ना ये जो है इसकी स्पीड ज़रा स्लो है, यहाँ पे मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब ये जो है ना रिज़ल्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, ये इसका ग्राफिक डिज़ाइनर का रिज़ल्ट आ चुका है। यहाँ पे हम जाएंगे तो कैटेगरी में हम यहाँ पे वो लिख लिया कि ग्राफिक डिज़ाइनर, इसकी सेलर डिटेल। सेलर डिटेल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो डिटेल है ना वो आ जाएगी। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, ये देखें टॉप रेटेड सेलर, तो उन्होंने टॉप रेटेड का है। यहाँ हमने टॉप रेटेड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे तो टॉप रेटेड जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे ये देखें, ये इसने एलेक्स जो है ये उन्होंने इसका आ गया हुआ है, तो इसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। ताहे थे हम इतने का स्क्रीनशॉट हम ले लें, इतना इतना हम स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं, इतना आपके पे डिपेंड करता है कि आप इतना जो है ना इसका स्क्रीनशॉट जो है इतना आप ले लें। यहाँ से न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसका एलन का ये सबसे पहले हम तो इसको देख लेंगे, यहाँ से ठहरें क्रॉस करते हैं, हाँ जी। यहाँ पे इसका ये जो नाम है ना इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर हमें वाजे इसके बारे में पता चल जाएगा ना कि ये कौन है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये एलेक्स है और ये इसका उन्होंने स्किल सेट लिखा हुआ है कि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, एडिटर एंड ग्राफिक आर्ट्स। ये इसके बारे में आप ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से यहाँ पे इसका आप जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी तरह आप पीपल पर आर पे जाएंगे तो पीपल पर आर पे भी आपने ऐसे ही पीपल पर आर जो है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने उसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका जो है ना वो आपने ये जो है इसका स्क्रीनशॉट इसके ऊपर किसके नाम पे क्लिक करके, तो हमने इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो हमने ले लेना है। नंबर 2 पे उसकी असाइनमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उन्होंने नंबर 2 पे असाइनमेंट पे उन्होंने डाला हुआ है कि आप क्या आपने लेना है, यहाँ से
ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है fiverr.com, यहाँ पे इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, और नंबर टू पे भी मैंने ले लिया है पीपल पर आर का ये स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके लिखा हुआ है प्रोवाइड दी स्क्रीनशॉट ऑफ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अबाउट दी रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म। अब हमने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताना है, तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो fiverr.com वाले की ले ली हुई है। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो है ना यहाँ पे आपको इसकी फाइवर वाले की मिल जाएगी। ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे इसकी ये जो है इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये देखें ये सिर्फ इतनी ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसी को आपने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लिखने के लिए आपने यहाँ पे अपने पीसी पे स्पिन लिखेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट जो है ना वो लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं लिखती हूँ SPIN, तो यहाँ पे वो आपको ये ऑप्शन आ जाएगी और आपका पहले से वो जो है ना ये देखे स्पिनिंग टूल, ठीक है, ये स्पिनिंग टूल है आपके यहाँ पे विंडो के अंदर ही मौजूद है जिसे आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो वो उसे आप लोगों ने ये देखे ये यहाँ पे आ चुका है, तो इसे आपने न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन का ये देखें जितना आपने लेना है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे और इसको कर देंगे सेव। ये देखें जहाँ पे आपने सेव करना है उस जगह पे उसको सेव की कमांड देके और इसको कर देना है सेव यहाँ पे हमने इसके नाम पे इसको ना सेव कर देना है डिस्क्रिप्शन के नाम पे। ये देखें इस तरह ये जो है स्क्रीनशॉट लेना भी आसान हो गया। तो यहाँ के इसकी डिस्क्रिप्शन हमने ले लेनी है, फिर अपने पीपल पर आर पे जाना है, यहाँ पे इसकी भी डिस्क्रिप्शन आई होगी नीचे, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं है इसकी ना, इसके बैक पे जाएंगे, ये एटोम जारी हमने यहाँ पे इसके ऊपर किया हुआ था, ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन। जब आप रीड मोर पे कर लिखेंगे यहाँ पे, तो रीड मोर पे करेंगे तो ये जो अबाउट टोन इसके बारे में ये सारा जो है ना इसको हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। यहाँ से हमने फाइल लेंगे और यहाँ पे लेंगे न्यू, और यहाँ पे जो इसका ये जो रैंक है इसका टोन का ये वाला हमने स्क्रीनशॉट इस तरह ले लेना है। तो ये हमने स्क्रीनशॉट पहले से मैंने ले के रखे हुए हैं, यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए डिस्क्रिप्शन ये हमने fiverr.com से लिया और मैंने दूसरा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिया था तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। नंबर फोर पे उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड स्क्रीनशॉट गिग के बारे में और ऑफ़र्स के बारे में, जो इसकी ऑफ़र्स और गिग हैं ये मैंने ऑफ़र्स और गिग की भी यहाँ पे लेके कॉपी कर ली हुई है। और यहाँ रिव्यू एक नंबर फाइव पे उन्होंने किया हुआ है रिव्यू सेंटर, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पे आपने ये फाइवर पे जाएंगे तो फाइवर पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये देखें इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पड़ी हुई थी और यहाँ पे इसके ये गिग पड़े हुए हैं। ये देखिए ये गिग है, ये इसके गिग्स जो है ना ये हमने ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारी हम इसको कर लें स्क्रीनशॉट, बस इसका अपने पहुँच जाना और यहाँ पे अपने इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है ना आपने ले के रख लेना है। यहाँ पे जब मैं न्यू पे जाऊँगी और न्यू स्निप करूँगी और यहाँ पे मैंने इसका इतना सा स्क्रीनशॉट जो है मैं ले लूँगी, तो इस तरह इसको भी हम सेव कर लेंगे, सेव एज़ कर लेंगे। और सेव एज़ करने के बाद किसी नाम से आपने सेव करके इसको रख लेना है। इसी तरह आपने पीपल पर आर पे भी जाएंगे, यहाँ पे ये देखें इसको हम क्रॉस करते हैं और पीपल पर आर पे ये देखें ये पोर्टफोलियो पे नहीं आपने जाना, यहाँ पे ये लिखी हुई ऑफ़र्स, तो ये ऑफ़र जो है ना इसकी हमने स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखें ये ऑफ़र जो है यहाँ पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अच्छा नंबर फाइव पे उन्होंने कहा था कि आपने क्या लेना है इसका रिव्यू आपने कैसे लेना है। आपने ये जो रेटिंग है ये देखें माई पोर्टफोलियो के बारे में उसका बताया और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और यहाँ पे ये देखें रिव्यू एज अ सेलर, तो उन्होंने इनके बारे में क्या रिव्यू जो है वो दिया हुआ है। यहाँ से आपने इसकी लेनी है, यहाँ से हमने फाइल पे जाएंगे और न्यू स्निप ले लेंगे और यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर यहाँ पे इसकी भी हमने इतना स्क्रीनशॉट जो है वो ले के रख लेंगे। इसी तरह इसको सेव एज़ कर लेंगे और इसका यहाँ पे सेव करके तो आप लोग अपनी
कंप्यूटर में रख लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखें, ये इसके बारे में जाना है, यहाँ पे इसका जो रिव्यू है वो भी आपने यहाँ से देख लेना। नीचे जाएंगे तो ये देखें रिव्यू, पहले ही रिव्यू पे किया हुआ है परचेज़ और इसके ऊपर रिव्यू पे। तो यहाँ से इसका जो है ना हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ से इसकी भी एक कॉपी, इसका जो है ना हमने एक स्क्रीन शॉट जो है वो ले लेंगे। तो इस तरह हमारी फ़ाइल जो है ना वो हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देख के मैंने बिल्कुल हर एक स्क्रीनशॉट इस तरह ले के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये कॉपी ले के उसको पेस्ट कर लिया हुआ है। ये देखें, ये पूरी मैंने इसका नंबर 5 पे इसी का भी मैंने ये जो लिंक है ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया। फिर हमने इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद मैंने इसका लिखा हुआ है फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज नंबर 1 और वर्ड पे इसके ऊपर जब हम यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेंगे, यहाँ पे फाइल पे जा के इसको मज़ीद सेव कर लेंगे कि इसकी सेव होने वाली फ़ाइल तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फाइल पे जाएंगे और इसको कर लेंगे सेव। ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पे हमने जाना है अपनी LMS पे जाएंगे, यहाँ पे LMS पे हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ गया हुआ है लर्निंग मैनेजमेंट हैंड आउट होम पे जाएंगे और यहाँ पे उन्होंने कहा कि फ़ाइल ये देखें, पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ाइल जो है सबमिट करवा दिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज जो है ना सबमिट करूँगी। क्यों ही मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगी कि यहाँ से वो मुझे से मांगेगा कि फ़ाइल जो है ना वो आप प्रोवाइड करें। यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर क्लिक करती हूँ, वेट करवा रहा हूँ। यहाँ से ये देखिए ये लिखा हुआ है चूज़ फाइल। तो ये मैंने जो है अपनी फ़ाइल जो है डेस्कटॉप पे रखी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा चूज़ फाइल करें, फ्रीलांसिंग की जो फ़ाइल है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 1 ये पड़ी हुई है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखें ये डॉट डॉक ये आ गई यहाँ पे और यहाँ से हम सबमिट जो है ना यहाँ से हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हमारी फ़ाइल जो है ना ये सबमिट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पूरी डिटेल में आपको समझ आ गई है कि कैसे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन और क्या इसका रिव्यू किस तरीके से उनका स्क्रीन शॉट लेना है कंप्यूटर से। ये देखें यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हो गया योर एक्सरसाइज फाइल फ्रीलांसिंग हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम होम पे चल जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखें यहाँ पे कोई एक्सरसाइज पेंडिंग नहीं है, हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आ गया सबमिटेड, इसको डाउनलोड। ये देखें यहाँ पे सबमिट हो चुकी है और ये दूसरी मेरी फ़ाइल जो है ना ये भी सबमिट हो चुकी है। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से भी देखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी फ़ाइल जो है ना मैंने सबमिट कर ली हुई है, तो इसकी भी मैंने आपको फ़ाइल जो है ना वहाँ पे शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसमें हेल्प मिल जाए। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।